पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में मानवता को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है। 8 वर्षीय मासूम के साथ एक युवक ने दरिंदगी दिखाते हुए उसका बलात्कार किया। मासूम के परिजनों ने युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने 8 वर्षीय मासूम को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजकर परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कर रही है। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद का है, जहां पर एक मासूम को एक युवक ने अपनी हवस का शिकार बनाते हुए उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। रेप की वारदात को अंजाम देते हुए मासूम की मां ने देख लिया और आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया। मासूम की मां ने शोर मचाया तो ग्रामीण इकट्ठा हो गए और सभी ने आरोपी को पकड़ लिया। बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को परिजनों ने पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल मामला उस वक्त का है जब गांव में ही एक बारात पड़ोस के गांव से आई हुई थी। सभी लोग बारात को देखने लगे थे। बारात में आए बाराती ने मासूम का मुंह दबाकर उसे एक खंडर में ले गया और उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। किसी अन्य बच्चे के द्वारा ये जानकारी पीड़िता की मां को दी गई और आनन फानन में पीड़िता की मां घटना स्थल पर पहुंची और वहां का नजारा देखकर मासूम की मां भौचक्का रह गई। मासूम के शरीर से खून निकल रहा था और उसके कपड़ों खून से लथपथ थे। मासूम की मां ने शोर मचाया तो ग्रामीण इकट्ठा हो गए और उसे पकड़कर पुलिस थाने ले गए। मामला को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मासूम को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा और आरोपी के खिलाफ परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने की पुलिस बात कर रही है। पुलिस के द्वारा आरोपी के खिलाफ पोस्को एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजने की बात कही गई। छत्रवाल से क्या हो गया था? लड़की का दादा हूँ। क्या मामला है? कितने साल की उम्र है बच्ची की? ऐसी वैसे जी 10-12 साल की बैठेगी। 10-12 साल की? ज्यादा ना। क्या हो गया था? आज बारात चढ़ रही थी और ये लोंडिया खड़ी थी, पता नहीं कैसे खड़ा पड़ा था, इधर को वहाँ ले गया। और तो हाथ भी नहीं आया, फिर आगे आदमी एक आदमी ने पकड़ा हाथ गाँव में। तो क्या नाम है उस लड़के का? वो हाँ गाँव का थोड़ी बारात का है, बारात में आया। तो क्या नाम है उस लड़के का? अब क्या पता, वो तो है तो ही मालूम करो। उससे कहाँ से आई थी बारात? कहाँ से आई थी? थाना डेलोली से। मेरा नाम रजनी है। ऐसा हुआ था, गाँव में एक बारात आई थी, बिल्कुल जैसे हमारे बराबर में ही है, मलखान सिंह की लड़की की। तो ये हमारी बच्ची भी बारात देखने, सब बच्चे जाती हैं जब गांव में बारात आती है, तो लड़की बारात देखने गई। एक मतलब बाराती ने लड़की का मुंह दबोच के खंडर सी जगह में ले गया। वो जगह वाले का नाम है नवल सिंह। वहाँ ले जा करके हम सब खड़े थे, हम भी देख रहे थे लड़की बेहोश हालत। एक लड़की ने छोटी सी ने जाके कहा उसकी मम्मी से कि तुम्हारी लड़की को एक आदमी मुंह दबा के ले गया। इतने उसकी मम्मी आई घर से, इतने जाकर के उसका गलत काम मतलब कर दिया। उसके पूरे कपड़े ब्लड में बिल्कुल रेड हुए पड़े हैं। और उस लड़की को बलात्कार करने के बाद उसके साथ पूरी तरीके से मतलब बहुत गलत, उसके बाद उसके हाथ मतलब चेहरे वेहरे पे और गला घोटने की पूरी कोशिश करी है। हाँ आरोपी जब भी मौके पे हम लोगों ने सबने पकड़ लिया है, दबोच लिया है, सभी ने दबोच लिया है और वो हाथ आ गया है। और उसके बाद एक गांव का ही नरदेश नाम का है, उसने उसकी सपोर्ट करी है और उसे किसी उसको जो है मारने नहीं दिया हम लोगों। मेरा कविता नाम है। क्या हो? एक गांव में बारात आई है, बारात के सामने एक गली है जी। उसके सामने लड़की को बलात्कार करने के लिए ले गया। वहाँ पे वहाँ से मैं गई, आवाज मारती हुई लड़की की चीख निकल रही। मैं लाई लड़की को, देख के लड़की आई है सही सारे कपड़े बलात्कार को उन्हें जो करा वो कर लिया। उनने वहाँ से भाग छुटा, सबने तत्ते घाव वहीं पकड़ लिया, देख लिया। मैं नहीं ले, मैं ही लेकर आई हूँ, मैं नहीं देखा था। और उसके बाद मैंने शोर मचाया, वहीं सबने पकड़ लिया। देखते हैं अभी फिलहाल वो पुलिस की पास में है। पुलिस के पास ही, पुलिस को सौंप दिया। क्या चाहती हैं आप? एक माँ हैं। मैं सजा चाहती हूँ। इस तरह की घटना पास में आई है जिसमें हम लोग जो पीड़िता के परिजन की तरफ से तहरीर लेके और जो अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, हम लोग मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जैसे मेडिकल आज करा के अभियुक्त को जेल देने। शादी समारोह था, शादी समारोह में शादी के समय ये घटना घटित हुई है। हम लोग अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिए हैं और जल्द से जल्द उसको अभी जेल देंगे। अभी जो पीड़िता है वो नाबालिग है। हम लोग जो सुसंगत धाराएँ हैं, पॉक्सो एक्ट और जो धाराएँ बनती हैं उस पर सर हम लोग अभी अंडर एज है पीड़िता और उसकी जेट एज का जब परिजन से कुछ लोग इसके विषय में पढ़ाई आज के विषय में जैसे
उम्र के संबंध में जो साक्ष्य देंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा, लेकिन माइनर है।